नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 904वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 8 लेटर वाले वर्ड्स होंगे जो कि अल से शुरू होते हैं और एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड होगा जिसमें कि नए नए वर्ड्स और कैसे पढ़े जाते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू उस पर बात होगी। तो दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में झिझक रहे हैं या बिल्कुल नहीं आता अंग्रेजी पढ़े तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा, अगर आप नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, सबसे पहला जानकारी यही होना चाहिए दोस्तों कि आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि अल्फ़ाबेट ABCD लिख लीजिए और ये 26 लेटर का होता है। जैसे इस वीडियो में लिखा जा रहा देखा जा रहा उसी तरह से आपको काम करना है। और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, लोग इसे आज भी ABCD ही कहकर बुलाते हैं। और इसके दो पार्ट कर देंगे, जी हाँ इसके दो पार्ट कर देंगे। और ये पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट को जो है सो वोवेल कहते हैं, या जिसको दूसरा भी पार्ट कह सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये 5 वोवेल है और इसको डबल ओ के साथ जो है इसको पढ़ने का कुल तरीका अगर आप बात करते हैं तो कुल जो भी आप मेंशन करते हैं तरीके को, तो ये तरीका जो है तो 23 तरह से आप इससे कितने तरह से पढ़ सकते हैं। आप में से जितने भी आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप बताइए कि अगर ये वोवेल का उच्चारण आप पहले से जान रहे थे, अगर जान रहे थे तो दोस्तों यस जरूर लिखे कि हाँ आई नो, ठीक है आई नो, बस इतना भी लिख देगा तो समझ में आ जाएगा कि ताकि आगे ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हाँ मैं जानता हूँ, इतना लिखे जरूर और जिससे पता चले कि आप कितना जानते हैं ये बताइए। साथ ही दोस्तों जो 21 लेटर है इसमें से आप कितना उच्चारण जानते हैं कितना नहीं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, भली भांति देखिए और समझ बूझ के बताइए कि आप जानते हैं। मैं यहाँ बताऊँगा 40 से 41 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है कुछ ऐसे वर्ड हैं है ना, पार्ट हैं जो कि हर एक वर्ड मीनिंग में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अब देखेंगे, जैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको कि TION को सन बोलते हैं, ये भी पार्ट है और बहुत सारे पार्ट हैं। 40 से 50 से मान लीजिए 60 तक के ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब बात है दोस्तों कि वर्णमाला, वर्णमाला के दो पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए ये वर्णमाला हिंदी के मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हिंदी नहीं है और ना ही वर्णमाला का अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये इंग्लिश ग्रामर की बात है जबकि ये हिंदी व्याकरण की बात है। अब यहाँ उसी तरह जो है वोवेल इसके बराबर नहीं है लेकिन इसके समतुल्य है, जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें मिल जाता है। व्यंजन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी कॉन्सोनेंट का जो सारा का पार्ट व्यंजन मिलता है लेकिन व्यंजन का सारा पार्ट कॉन्सोनेंट में नहीं मिलता, इसी तरह स्वर का ज़्यादा सारा पार्ट वोवेल्स में नहीं मिलता। अब देखिए स्वर जो है यहाँ पर 14 है, यहाँ पर वोवेल कितना था 5, डिफरेंस देखिए ये, और यहाँ पर जो व्यंजन है 36 है जबकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितना है 21 है, कहीं दुगना का मतलब दोस्तों 50 के आसपास, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 50 जो है दोस्तों हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला हिंदी व्याकरण आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण जब पढ़ना चालू करेंगे ना तो वर्णमाला के ऊपर आपको लंबा चौड़ा मिल जाए, 10 से 12 पेज का जो है एक चैप्टर ही मिल जाएगा वर्णमाला के ऊपर। आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, लेकिन जो समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूँ कि आपको समझ में क्या आने वाला है। देखिए मुख्य रूप से स्वर के बारे में जानेंगे वहाँ पर, और स्वर क्या है तो देखिए इसका उच्चारण पहले जान लीजिए, अ आ ई ई इसे ह्रस्व दीर्घ, उ ह्रस्व दीर्घ, री ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह क्या होता है तो आ का कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी करके इस तरह से हो गया, बड़ी करके ये हो गया, छोटी उकार का यहाँ हो गया, बड़ी उकार का ये हो गया, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब अंग्रेजी क्या होता है, आ का ए होगा, आ का डबल है, ज़्यादा सिंगल ए का स्थान होता है, छोटी का आई बड़ी का डबल ई, ऊ का यू बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए ए ओ औ अन अ, तो ए का ये हो गया, ए का दो ऊपर होता है, ये मात्रा चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी करना है तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि सभी जगह अ अ से लेकर अह तक नहीं आएगा, ऊपर के मात्रा चिन्ह ही आते हैं। ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, अ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये हो गया और अह के लिए ये अ। अब देखिए ए जो बात होता है अंग्रेजी, ए का ई हो जाएगा, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। यहाँ जो तीन है, तीन बहुत ही सावधानी से याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं।
अब व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन की संख्या क्या है दोस्तों, व्यंजन की संख्या है 36। अब देखिए आधा क आधा ख आधा ग आधा घ आधा अंग, सारे के सारे व्यंजन आधे अधूरे अक्षर ही हैं, तो आधा छ आधा छ ऐसे नहीं बोल के आप सीधा सीधी, अगर अक्षर रहते क से ज्ञा तक तो ऐसे पढ़ते क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालाबश मूर्धन्यश दंश। ये तीन अक्षर लोग भूल जाते हैं, ह अक्ष त्र ज्ञ, इसको इसमें भी जो है गड़बड़ लोग करते हैं उच्चारण करने में। तो दोस्तों ये ऐसे पढ़ सकते हैं लेकिन ये अक्षर नहीं है, ये आधे अधूरे अक्षर है, ठीक है। अब अक्षर कैसे बनते हैं, तो देखिए दोस्तों व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक अक्षर प्राप्त होता है, और वही अक्षर कई अखबार जुड़ते जुड़ते जो है 2 से लेकर 20 तक के अक्षर को जोड़ दीजिए तब एक शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्द देखिए, शब्द जो है कहीं ना कहीं शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ये चीज़ समझने की बात है, तो इसको अच्छे तरह समझिए दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है ये शब्द और वाक्य। अब देखिए जैसे यहाँ पर प ले लेते हैं, आधा प आधा अक्षर इसमें जोड़ देते हैं आ, तो दोस्तों हमारा ये एक अक्षर मिलता है पा। ये है व्यंजन, ये है स्वर, व्यंजन स्वर ये हमारा अक्षर, ठीक है। तो पी है आ है, तो होता है दोस्तों पी ए पा। बहुत ही अच्छे से समझिए, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी का नाम है रमन, ठीक है। रमन कैसे लिखा गया इस बात को याद रखिए, तो र प्लस अ, ठीक है, र प्लस अ, म प्लस अ और ण प्लस अ। अब ये लिखिए आर से र, अ के लिए एम के लिए म, अ के लिए और एन के लिए ना। लास्ट में हिंदी में नाम लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस किया था, अगर रहता कुछ और अ के अलावा कोई और जैसे यहाँ पर रहता नो, तो उकार रहता कोई अक्षर रहता तो होता। जैसे मान लीजिए अगर दिखा जाए यहाँ पर देखते हैं रमा लिखते हैं, ठीक है, रमा ऐसे लिखेंगे र प्लस अ, ठीक है। और यहाँ दोस्तों है म प्लस आ, ऐसे र प्लस अ म प्लस अ ऐसे लिखेंगे, र अ ए एम और डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए, लेकिन ज़्यादातर एक ही ए का इस्तेमाल होता है। एक और बात समझ लीजिए, किसी भी शब्द को अंग्रेजी करने के लिए आप पहले इस तरह के अक्षर को तोड़िए, अगर ऐसे तोड़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप अगर आप इसे तोड़ लेते हैं और आपको व्यंजन, ठीक है, स्वर का अंग्रेजी या व्यंजन का अंग्रेजी याद है, व्यंजन का अंग्रेजी याद है, तो आपको लिखने हिंदी से अंग्रेजी करने में कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखिए। जैसे मान लीजिए कहीं से भी कुछ दिख जाए आपको लिखा हुआ, पेपर उठा लीजिए पेपर, और पेपर का जो हेडलाइंस होता है, ठीक है, जो शीर्षक होता है, हेडलाइन का मतलब समझ रहे होंगे कि हेडलाइन क्या होता है, पेपर में जो न्यूज़ का मुख्य जो ऊपर का जो शीर्षक रहता है, टाइटल बोलते हैं जो भी, कि आज ये हुआ आज वो हुआ, तो उसको सारे पेपर से उसी को कम से कम, या एक टेक्स्ट को एक पैरा को उठा लीजिए उसका पूरा अंग्रेजी लिखिए, इसी तरह से अंग्रेजी करिए। अगर करने लगेंगे तो आपको सीख जाएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं नहीं करने से तो क्या दिक्कत है, कि भाई आप हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे, अगर कहीं अंग्रेजी में वो हिंदी अक्षर लिखे रहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे होंगे बात। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही गंभीरता से लीजिए, जी हाँ। और बताइए कि आपने कि आप में से कितने लोग इससे जो है सीख रहे हैं, और सच में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते बात करते हैं कॉन्सोनेंट पर, जी हाँ, कॉन्सोनेंट का उच्चारण बहुत ही सहजता से सीखिए। और ये अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटाने के बाद जो बचता वो होता है 21, ठीक है 21, लेकिन इसका उच्चारण आप यहाँ पर 40 से 41 तरह से आप गिन सकते हैं, मैं अभी गिना दूंगा, अभी आप देखेंगे। जैसे देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं, स कैसे बोलते हैं, इस पर एक लेक्चर हो जाएगा नीचे इसी स्लाइड में, निचले रो में। डी को ड द बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लीजिए ग्रेजुएट, अब डी को क्या उच्चारण किया गया, ज।
एब को फा बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे कि इसका भी एग्जांपल लीजिए, गौर जीएस, पहला जी ग गौर, दूसरा जी ज जीएस, गौर जीएस। एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो ज, ज को जे, का को के, ल को एल को ला, एम को मा, एन को ना और आ भी बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को देखिए क्यू को क्यू, आर को र और आर को ड भी बोलते हैं, याद रखिए ड। एस को सा बोलते हैं, इसको ज ही बोलते हैं और ई एस से भी ज होता है। टी को टाता तो बोलते हैं चासा भी बोलते हैं। इसके लिए देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, चार को चार पार्ट्स ऑफ वर्ड देखिए, जैसे टी से, टी यू से देखिए जो क्या क्या स्टार्ट होता है। टी यू को च बोलते हैं, च, ऐसे वर्ड इसे पार्ट बना है चर, टी यू को च बोलते हैं और इससे बना है चुअल। तो एक और देखिए टी आई, टी आई को बोलते हैं स, इससे बना है शन और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। तो चर चुअल शन सी एल, चर से नेचर फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, सन से कंडीशन एक्शन और सी एल से कॉन्फिडेंशियल एसेंशियल जैसे वर्ड बनते हैं। उसके बाद सो व, भी के लिए व भी है, भी के यानी व के लिए भी है और व के लिए डब्ल्यू भी है और भ को भी को भ भी बोलते हैं। इसके बाद सो एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोला जाता है। जैसे ई एक्स से भी एक्स होता है और ई एक्स से एक्ज भी होता है। जैसे एक्स का अगर रहता सिर्फ तो ए एक्स को एक्स बोलते हैं, एफ एक्स फॉक्स बोलते हैं। ई एक्स रहता तो ई एक्स सी यू एस सी को एक्सक्यूज बोलेंगे या ई एक्स ए एम को एग्जाम बोलेंगे, ठीक है एग्जाम। तो यहाँ पर ये चीज़ समझिए, एक्सक्यूज एग्जाम। फिर देखिए सी के बारे में समझिए, सी आई, सी के बाद जब आई रहे तब स पढ़ेंगे, सी है क पढ़ेंगे, सी के बाद जब आई रहे तो स पढ़ेंगे, सी के बाद जब ई रहे तब स पढ़ेंगे, ऐसे क पढ़ेंगे। जैसे देखिए सी ई है ना, सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। पहला सी और सर्टिफिकेट में सी ई जो है स होता है और सी ए जो है क होता है, सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर सी आई आर सी एल ई सर्कल, जी हाँ तो सर्कल बोला जाता है, तो सी आई से भी स होता है और सी जो है सर्कल के बाद सी आई आर के बाद जो सी है वो क उच्चारण हो रहा है सर्कल। अब देखिए गिनते हैं, उसके बाद देखिए क से क्या क्या होता है, तो सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है, क्यू यू, सबसे एक वर्ड बनाते हैं बन सकता है, बताते हैं हमें देख लीजिए। जैसे क्रोम है ना, गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, क्रोम कैरेक्टर, लक में आता है ये, क्यू में, क्वेंट में या क्वीन में, बहुत सारे वर्ड इससे बन जाते हैं। तो ये तो दोस्तों है, अब इसको काउंट करते कितना है ये अब उच्चारण। दोस्तों देखिए यहाँ से एक दो तीन, एक दो गए सी से दो हो गया, तो एक यहाँ यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो मान एक है दो है तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस यहाँ सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस। इकतालीस जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको गिन कर बताया है, आप भी गिन लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे कि क्या है इसको इकतालीस तरह से। ये तो और कुछ एक्सेप्शन को ले लेंगे तो और भी बढ़ा सकते हैं हम, जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड को ले लेंगे है ना। तो जाहिर सी बात है कि इकतालीस तरह से इसका उच्चारण हो रहा है, अब कितना आपको याद है इस पर डिपेंड करता है, अगर याद नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत में फंस जाएंगे। उसी तरह भोवेल के बारे में, भोवेल का सा जो भी है जितना भी है लेकिन इसको तेईस तरह से बुलाते हैं, तो इकतालीस प्लस तेईस कितना होता है दोस्तों, तो सोचिए कि 64 हो गया, 64 उच्चारण हो रहे हैं। ये चीज़ समझना होगा कि 64 कैसे उच्चारण होते हैं, तो चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। ए, ए को क्या क्या कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, देखिए यहाँ पर तो आप देखें ए को चार है, इस तरह से एक तेईस तरह से हो जाता है, लेकिन इसका उच्चारण हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग कैसे हो रहा है इसको पकड़ना होगा। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सुनिए, सेंटेंस सुनिए, रोज़ मेरा जो स्लाइड है उसका वर्ड सुनिए, आपको जितना सुनने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और एक दिन से तो कुछ होने जाने को है नहीं, कम से कम 5-6 महीने जरूर सुनिए लोग और तभी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और कम से कम दुनिया अगर पूरा इंडिया की बात की जाए तो कम से कम दोस्तों 1 अरब 30 करोड़ की तो आबादी इंडिया में ही है हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आप कितना लोग सुनते हैं महीने का, जो है 20-25 लाख लोग सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मैं चाहता हूँ कि भाई
अच्छे सारे के सारे लोग कवर हो जाएं और सभी को सीख जाएं। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम इंग्लिश पढ़ लें, इंग्लिश लिख लें और उसको कन्वर्ट कर लें, समझ में आए, ताकि और भी चीज़ कर पाएँ अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में, वो उनको फ़ायदा हो, दवा लें या सोशल मीडिया से जुड़ें, कहीं ना कहीं उनको बहुत इंग्लिश से बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पर तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को सिर्फ ए ही बोलते हैं। अगर ए को सिर्फ ए ही बोलेंगे और सब जगह ए उच्चारण करेंगे तो गलती होगी। जैसे देखिए यहाँ पर एम ए डी एल मे तो क्या पढ़ते हैं, मेडल, मेडल तो उच्चारण हो नहीं रहा, मेडल होता है, यानी ए को आ बोल रहे मेडल। उसी तरह मास, एम ए डबल एस मास में ए को पढ़ रहे आ मास। मेड में ए को क्या पढ़ रहे मेड। मैन में ए को क्या पढ़ रहे मैन, है ना। अब देखिए ई को क्या क्या बोल रहे हैं, ई को अ आ ई ई और ए बोलते हैं। तो क्या उच्चारण है, जैसे पी ई आर में, पी ई आर में जो है पर है, वो ई जो है वो अ के रूप में उच्चारण हुआ पर। पी एन पेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ पेन। पी ई पी ई ए सी ई पीस में ई का उच्चारण क्या हुआ, वो ई हुआ पी। और दूसरा जो सी का ई है उसका उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ पीस। उसके बाद आई का, आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई को अ आ ई ई और आई बोल रहे हैं आई। अब देखिए टी आई एन क्या होता है, टीन, चाहिए समझिए चाहिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। टायर में आई को क्या बोल रहे हैं आई। अब आ, आई से आ भी होता है क्या, आई का उच्चारण आ कर सकते हैं क्या, सोचिए। तो दोस्तों जी हाँ कर सकते हैं, सी आई आर सी एल ई सर्कल, जिसमें आई का उच्चारण अ के रूप में होता है सर्कल। एस ओ एम सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, टी ओ ए टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद यू, यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ आ उ यू। तो देखिए बी यू टी टी ई आर, बटर में यू को क्या बोला जाता है, बटर में ब में अ बोला जा रहा है। पुट में यू को क्या बोलता है, ऊ बोल रहे हैं। ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, तो ई यू ट्यून। उसी तरह देखिए डबल ओ जो है, डबल ओ में आ, डबल ओ को अ ज़्यादातर और बड़ी ऊ ज़्यादातर बोला जाता है। जैसे आ ओ वो भी बोला जाएगा लेकिन बहुत एक्सेप्शन में है। जैसे एस डबल ओ सून में डबल ओ ऊ के बड़े बड़े ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। अब देखिए दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो देखिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, या गूगल में या यूट्यूब पे बोलिए माइक बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश। यहाँ बोलने वाले लोगों को सुराती गड़बड़ होता है लेकिन आप बोल सकते हैं ओमनीसेंट, ओमनीसेंट इंग्लिश। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, सब वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आप देखेंगे कि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है या सुसुद लिखने नहीं आ रहा है, अपने बोलने नहीं आ रहा, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी करना है। एक काम करना हो कि आपको एक कॉपी ले लेना है और उस पर हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके जो है लिखा हुआ लिखते रहना है, जो कि हमारे पुराने वीडियो को स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। और लिखिए, लिखते समय करना है कि बोल बोल कर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, बोल बोल कर लिखना है, जिससे कि बोलने भी आएगा लिखने भी आ जाएगा। और ग्रामर के रूल एवं सभी के सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, जो कि बहुत ही आसान है, आपके लिए कॉपी भी व्यवस्थित हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप दोस्तों ई बुक भी हमारा प्राप्त कर सकते हैं, हमारे वेब जो हमारा ये जो ऐप है उस पर हमारा ई बुक भी मिलने जा रहा है। तो इसका मैं एक यहाँ जो आपको लॉन्च करने वाला हूँ ई बुक बहुत जल्दी, तो देखिए कब आ रहा है। और थोड़ा सा क्योंकि अकेले सब कुछ करना होता है तो समय लगता है दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। लेकिन दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट दोस्तों एनसीईआरटी के बुक जो कि 10th क्लास का है, और इसमें एग्रीकल्चर का ये सारा टेक्स्ट है। इसमें आपको एग्रीकल्चरल वर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही दोस्तों हिंदी के शब्द मिल जाएंगे और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़े जा सकते हैं। लेकिन ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, इसको क्या आप समझ सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरा स्लाइड देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर समझ लें तो इंग्लिश पढ़ना कहीं, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी आसान हो जाने वाला, कहीं बहुत ही जल्दी। आप लाखों लोगों को देखिए सीख नहीं पा रहे होंगे लेकिन आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए इस टेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं इसको, पढ़ने का तरीका, पार्ट्स ऑफ वर्ड का तरीका। देखिए पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, और किसका हिस्सा, तो वर्ड का हिस्सा, इंग्लिश वर्ड का हिस्सा। जैसे कुछ कुछ मैं बताता हूँ, जैसे टी एन को सन बोलते हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पीछे फिर देखेंगे कि हाँ वाकई में आ रहा है कि नहीं।
या टी यू आर को चर बोलते हैं, टी आई वी को टी बोलते हैं, एस आई वी को सी बोलते हैं, फिर आई ई एल को ई एल बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, अगर देखना है बगल में हिंदी लिखा हुआ तो हमारे शुरुआती वाले वीडियो के देखिए, इसके लिए शीर्षक से ही बना हुआ पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए, आप खोज सकते हो पार्ट्स ऑफ वर्ड उमनी सेंट इंग्लिश इसकी तरह से। या देखिए ए एल को बोलते हैं अल, फिर ए टी को एड बोलते हैं, ए टी ई को एट बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, है ना, आई एन जी को इंग बोलते हैं, फिर देखिए आई एन को इम, इन आई एम को इम बोलते हैं, फिर है ई आर को आर बोलते हैं, ई एन को ई अर्थ हो गया, ई एन को एन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि टी सी एच को चा है, आई जी एच टी को आइट बोलते हैं, और भी मुझे दिमाग में पढ़ते समय तो बहुत हो जाता है, लेकिन अब देखिए इसके अलावा यहाँ ये देखिए ओ यू एल डी को उड बोलेंगे, ठीक है, ए एन को एन बोलते हैं, ये सब छोटे छोटे हैं लेकिन काम के हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुछ जैसे एल को ला बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, ये भी एक चीज है। उसके बाद देखिए ए, ठीक है, ए टी सी एच को एच बोलेंगे, है ना, एच, या ई एन सी को एंस बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, इस तरह से आप है। तो ये काफ़ी है ना आप समझाने के लिए, कितने अब इसको ध्यान देखिए, ये सब जो है कॉमन है, ये कॉमन जो बार बार आते हैं ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 50 से जो है 60 के आसपास में कम से कम याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी। अब कुछ अटकेंगे तो वोवेल के थ्रू जो है बहुत ही सावधानी से क्लियर हो जाएगा वोवेल के थ्रू। तो ये चलिए ये अब उसको देखते हैं कि कौन कौन सा आता है इसमें से, आप ध्यान से देखिए इसको, और नहीं देखेंगे तो फिर से आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए मिलेट्स, मिलेट्स ज्वार बाजरा, ये हिंदी का शब्द है, हिंदी के शब्द है रागी एंड रागी हिंदी के शब्द है। आर द इम, इम आ गया ना इम, इसको प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं, पी यू आर का पोर बोलते हैं, टी एन टी को टेंट बोलते हैं, ये भी टेंट भी एक सफिक्स पार्ट है। मिलेट्स ग्रॉन, ओ डब्ल्यू कौन बोलते हैं ग्रॉन, इन इंडिया, दो इसको आप ऐसे याद रखिए दो, दीज आर नोन, है ना नोन, यहाँ देखिए ग्रोन में था, यहाँ केन लग गया नोन हो गया, एज कोर्स ग्रेन्स, ए एन को एन बोलते हैं, जी आर लगा ग्रेन, सिर्फ ए रहता, ए जी रहता तो अगेन होता, पी आर रहता तो पेन, आर रहता तो रेन, पी रहता तो पेन, एस रहता तो सेन, रहता तो लेन, जी रहता तो जेन होता, ये सब। दे हैव, ए के बाद ही है, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रीशन, ठीक है सन आ गया ना यहाँ पर, इसी में एल जुड़ा हुआ है, न्यूट्रीशनल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन कैल्शियम, आयरन कैल्शियम अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, ठीक है रफेज, देखिए रफेज ये पढ़ा जा रहा है। आप कहेंगे फ कैसे पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पर, तो इस बात को मैं आपको बता दूँ, समझिए यू जी एच को फ बोलते हैं तो रफेज, अब लोग इसे नहीं पढ़ पाते हैं आर ओ यू जी एच एच, जैसे देखिए आप यहाँ समझ लीजिए आर ओ यू जी एच ए जी ई, अब इसको क्या पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग से पूछ लीजिए तो रौघेज पढ़ेंगे, रौघेज, अब यही तो है जो सीखने के लिए कि आपको पता होगा कि भाई यू जी एच को फ बोलते हैं तो आर आर ओ से र हो गया और ए यू जी एच को फ बोलते हैं और ए के बाद ई लग गया तो एक औचान यहाँ ए हो गया, जी को ज यहाँ पढ़ दे रहे हैं गाने, तो रफेज पढ़ा गया, जी हाँ रफेज, तो ये रफेज है। अब देखिए ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद द रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रो, पी आर ओ को प्रो बोलते हैं, प्रो डी यू से डक, टी एन को बोलते हैं सन प्रोडक्शन, इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली एल वाई को ली बोलते हैं, ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, टी एन को बोलते हैं सन, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, हिंदी का शब्द है महाराष्ट्र, अब कर लीजिए स्वर व्यंजन को जोड़ते जोड़ते पहले महाराष्ट्र लिखिए उसके बाद अंग्रेजी से कर दीजिए, कर्नाटका,
देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, देखिए अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड देखिए मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी, जी हाँ, सो सैंडी सैंडी सॉइल एंड सैलो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, एल ओ को लो बोलते हैं, ब्लैक सी के को क्या बोलते हैं, सॉइल मेजर्स बाजरा, प्रो ये प्रीफिक्स है, प्रोड्यूसिंग हो गया, स्टेट्स आर हिंदी शब्द है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ अ ड्राई रीजन, रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी सॉइल्स। दोस्तों देखिए और बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए पढ़ने का। तो अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ देखिए वॉवेल्स को आपको दिमाग में रखना होगा पढ़ते समय वर्ड को, और देखेंगे कि क्या ये बार बार रिपीट हो रहे हैं या क्या कैसे बीच में पढ़ना है। ई आई को देखिए, ई आई को और या ओ यू को जो है इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ई को आई, आई को आई, ओ को आओ, ओ को यू को आओ और यू को डबल ओ को आओ। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं और ए को ए बोला जाता है। समझिए अच्छी तरह से क्या पढ़ते हैं। लॉन्ग बिग वर्ड्स को देखिए, इतना लंबा लेटर है, एक बार किसी को दे दीजिए पढ़ने के लिए वर्ड, अचानक से तो एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ कुछ बोले को कुछ बोले कुछ पढ़ भी सकते हैं। देखिए ए के बाद ई है तो एक अचान एक रूप में हो गया, यहाँ एल ओ जी ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, ठीक है, एल लगा तो लॉन्ग हो गया। अभी सब जगह है पार्ट के रूप में आ रहा है ना, लॉन्ग, यहाँ अलग वेव है ये वेज हो गया, लॉन्ग वाइज हो गया, इसको जब हो रहा है लॉन्ग वर्ड हो गया, लॉनिसेरा, लॉ देखिए आप लॉन्स, लॉन्स डेल एक के बाद ही है, लॉन्स डेल के बाद है लुबिएस्ट, आई एस टू को ईस्ट बोलते हैं तो लुबिएस्ट या लॉग फुल्स। नेक्स्ट है तो लुक बुक, लुक बुक, लॉकडाउन सभी लोग जानते हैं, सॉरी लुकडाउन, लॉकडाउन नहीं, लुकीज्म, लुकीज्म हो गया, लुकीस्ट, लुकीस्ट, लुक आउट, लुक ओवर, लुक ओवर, ये और बोलते हैं लुक ओवर, लुकी, लुक्सिज्म, लुक्सिज्म, लुक्सिस्ट, लुक्सिस्ट, लूनीएस्ट, लूनीएस्ट, लूनिंग्स, लूनिंग्स, लुप बैक, लुप होल, लुप हो गया और यहाँ पर होल हो गया, लुप होल, लुपिएस्ट। नेक्स्ट है लुपिंग्स, लुपिंग्स है ना, यहाँ देखिए लूज बॉक्स, लूजेंड, लूजेंड, लूजनर, लूजिंग्स, लूटिंग्स, लॉप ग्रास, लॉपलिथ, लोपर्ड, लोपियस्ट, लॉपिंग्स, लोपसाइडेड। नेक्स्ट देखिए एक और है तो लॉपस्टिक, लॉपस्टिक, लोक्यूट्यूर, लोरेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, यहाँ देखिए लोरेंसेस हो गया, लॉर्डिंग्स, लॉर्ड मिंग लग गया, लॉर्ड किंग्स, देखिए एल ओ डी लॉर्ड, एल ओ डी लॉर्ड, एल ओ डी लॉर्ड, लॉर्ड लेस, देखिए लॉर्ड लेस हो गया, लॉर्ड लियर, लॉर्ड लाइक, लॉर्ड लिंग, लोडोमा, लोडेसेस, लोडोसिस, लोडोटिक, लॉर्डशिप, लॉर्डशिप हो गया, लोरेंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, एस लग गया तो लोरेंस, लोरेंजिस, लोरेट्स, लॉर्नोस, लॉरिकेट एक के बाद ही है, लॉरिकेट हो गया, लॉरिक, लॉरिकीट, लॉरिमर्स, लॉरिनर्स, लॉर्नेस, लोरेन, लोरेल्स, लोरिसोस, लोसटन, लॉसिंगली, लोसिएस्ट,
लॉसलेस, लॉस्ट अवे, लॉस्टनेस, लॉथेरियो। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका, आप प्रैक्टिस कैसे करना है तो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग वॉवेल्स है, सारे वॉवेल्स यहाँ लिख लिएगा, उसी से अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स हैं। तो देखिए कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, अ पढ़ा गया, सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया, केयर में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया, मैप में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया, है ना। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई को अ पढ़ा गया है, यहाँ पर फेक्ट वाला ई है, दूसरा ई जो है ए के रूप में पढ़ा गया, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो दो ई है तो ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, टेन में जो ई है उसको दोस्तों ए के रूप में पढ़िए। फिर देखिए ऐसा एसर में आई को अ पढ़ा गया, पिक में आई और टीन में आई दोनों को इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ, एसो इंसान में ओ को क्या पढ़ा गया, अ सन न कि सोन। आउट में वो क्या पढ़ा गया, आउट, आ। देखिए मून में ओ को क्या पढ़ा गया है, ऊ मून। और मोटो में दो है, एक एम के साथ है, एक एम के साथ है, दूसरा टी के साथ है, है ना। देखिए एसो इंसान में ओ अ के रूप में, आउट में ओ आ के रूप में, मून में ओ जो है ऊ के रूप में, मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा डबल टी के साथ, उच्चारण तो एक ही हो रहा है ओ मोटो। ब्यूटी बट में यू को उच्चारण अ के रूप में, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, इसके अलावा तो एफ एल डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, यहाँ पर है डबल ओ यहाँ अ के रूप में बोला गया, जबकि एल लुक वाले में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं क्यों मैंने क्यों आपको बताया, इसलिए दोस्तों बताया कि आप 200 इसी तरह के वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए और 10 दिन तक आप यानी 20-20 वर्ड रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, 11वें दिन आपको हर एक तरह के वर्ड मीनिंग पढ़ने आ सकते हैं या समझ जाएंगे। अगर दिक्कत होगी तो आपको करना यही है कि और वर्ड ले लीजिए और वैसे वर्ड को लीजिए जिनका उच्चारण आपको पहले से पता हो और स्पेलिंग पता हो, यानी कि आप उसका वर्ड उच्चारण सही से कर रहे हो और स्पेलिंग भी पता से हो, तो वाकई दोस्तों ये काम आने वाला है। तो बस दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ और बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए दोस्तों, और हमारे मेहनत को उचित सम्मान जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से ओमनीसेंट ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।